अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग की ईद अच्छे से गुजरी होगी, आई होप। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी ईद अच्छे से गुजरी। तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ आज खट्टे मीठे आम के अचार की रेसिपी। यहाँ पे हमने आम लिया हुआ है एक, और उसे हमने इस तरीके से कट करके उसके छिलके उतार लिए हैं, उसे हमने धो लिए हैं। और यहाँ पर हमने गुड़ लिया हुआ है, एक पाव से भी कम ही है हमारा गुड़। मैंने यहाँ पर गुड़ लिया हुआ है और यहाँ पे लिया हुआ है हमने एक आधा चम्मच के करीब मिर्चा लिया हुआ है। लाल मिर्चा बहुत स्पाइसी है हमारा, इसलिए कम लिया है। 4 साबुत लाल मिर्चे लिए हुए हैं, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और अजवाइन और मंगरेला 1-1 चम्मच हमने लिया हुआ है। गैस पे हम पैन को गरम कर लेंगे और जब पैन गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल को भी हम गरम कर लेंगे अच्छे से। कुकिंग ऑयल को परफेक्टली गरम करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत लाल मिर्चे और इसे हम 2 से 3 मिनट तक सॉटे कर लेंगे इस तरीके से, ताकि एक मिर्चे से अच्छी सी स्मेल आने लगे। इस तरीके से आंच को हम कम कर देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे मैंगो जो हमने कट करके रखा है इसे, और फिर इसे हम 1-2 मिनट में इसे हम इस मिर्चों में मिक्स करेंगे ताकि जो मिर्चे की स्मेल है वो मैंगो में रिलीज़ हो जाए। और फिर हम इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे, लाल मिर्चा का पाउडर जो हमने रखा है वो भी डाल देंगे। मिर्चे आप और नमक आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। और फिर हम इसमें साथ में ही में हम मंगरेला और अजवाइन जो हमने लिया उसे भी हम डाल देंगे। अजवाइन और मंगरेला डालने के बाद इसे हम मिला देंगे, फिर हम इसी में डाल देंगे गुड़ जो हमने गुड़ लिया हुआ है। अगर आप गुड़ की जगह चीनी यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। इसमें हम 1/2 कप के करीब हम पानी ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे। और इसमें एक लीड लगा के इसे हम कम आंच पे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ही हम इसे पकने देंगे ताकि आम और गुड़ गल जाए। मैंने 10 मिनट के बाद इसकी लीड को रिलीज़ किया है, तो ये देखिए गुड़ अभी भी गला नहीं है, देखिए इसमें गुड़ है और इसे भी हम गला लेंगे। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए आपको मैंगो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि मैंगो हमारा गला है या नहीं गला है। इसे ये बहुत अभी पतला है, हमें इसको थोड़ा सा थिक करना है, तो इसे हम इस तरीके से चलाते हुए हम थिक करेंगे ताकि हमारा गुड़ जले ना, वो काला ना दिखे और बिल्कुल अच्छा रेड कलर नज़र आए, इसलिए हम इसे चलाते रहेंगे कंटिन्यू। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा पतला है, और इसे हम आपको दिखा देते हैं इसके मैंगो गला है या नहीं। एक मैंगो लेके मैं आपको चेक कर लेती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और आगे तक ज़रूर इसे शेयर करें। मेरे ईद के बाद का ये फर्स्ट रेसिपी है और मैं ईद के दिन कुछ भी बनाई नहीं थी, क्योंकि हमारे घर शेफ़ आए हुए थे तो सारी रेसिपी उन्होंने बनाई, इसलिए मैं कुछ भी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।